हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखने वाले हैं कल निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकता है। तो उससे पहले हम लोग जरा डिस्कस कर लेंगे कि हम लोगों ने मॉर्निंग में प्री ओपन व्यू मार्केट व्यू में क्या डिस्कस किया था। तो एक छोटा सा शॉर्ट्स ही प्रोवाइड करता हूँ, लगभग 1 मिनट का, मैक्सिमम 1 मिनट का ही होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग फॉलो कर रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था जरा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ओपनिंग 18,180 के आसपास मैंने कहा था, और वो 18,160 तक जाने की कोशिश करेगा, और 160 अगर होल्ड करता है तो फिर हम लोग ऊपर के टारगेट्स देखेंगे, 200, 240, 280, और मैक्सिमम मैंने कहा था कि 300 का, 18,300 का टारगेट हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट की ओपनिंग लगभग 18,200 के पास हुई, और वो वहां से हमारी ओपनिंग जो लेवल थी 18,180 के पास लगभग गया, 78 के पास गया, 178 के पास। और जैसा कि मैंने कहा था कि 160 होल्ड करेगा, यही डिसाइड करेगा आज मार्केट को कि क्या हो सकता है। तो फिर ऊपर के लेवल्स हम लोगों ने देखे। आप लोग देखोगे कि लगभग 10 बजे के आसपास ही, 9:50 में ही हम लोगों ने जो टारगेट मैंने डिस्कस किया था 18,300 का लगभग, तो वहाँ 295, 950 के आसपास ही पहुँच पहुँच चुका था। उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे घूमता रहा और फाइनली 18,335 तक आज गया। डे हाई इसका जिसने ये बनाया, आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो प्रॉफिट कर रहे हो। मैंने हमेशा कहा है कि होल्ड करना या होल्ड नहीं करेगा, उसका मैं टाइमिंग आप लोगों को बता देता हूँ। हमेशा बताता हूँ कि 9:20, 9:25 तक ये डिस्कस आप लोग अपने एक डिसीजन पे पहुंच सकते हो कि ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलो अब हम लोग कल कैसा कामकाज किया जा सकता है वो हम लोग जरा देख लेते। तो देखो, हमेशा एक स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेली का जो स्विंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद भी अगर स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात करें, तो स्विंग कहने का मतलब है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली काम करता है। तो वो आप लोग देखोगे कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन ओपन होती है, फ्लैट कहने का मतलब ये होगा कि लगभग 18,320 या 300 के आसपास, ठीक है? और यहाँ से 300 के नीचे ही अगर जाता है तो फिर से हम लोग 2,280 और 240 तक नीचे देख लेंगे, ठीक है? अगर यहाँ से नीचे जाता है तो, बट नीचे नहीं जाता है तो 340 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा। 340 अगर क्रॉस करता है तो कल हम लोग 400, 450 भी देख सकते हैं ऊपर के लिए। ये सारे लेवल्स हैं, और नीचे का लेवल हम लोगों ने देख ही लिया कि 300 क्रॉस करता है तो 240 तक भी हम लोग नीचे देख सकते हैं, और 240 तक हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि 200 या 180 का लेवल अब एक सपोर्ट की तरह ही काम करना चाहिए, है ना? तो उस तरह से ही हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। वैसे भी मैं आप लोगों को प्री ओपन मार्केट व्यू जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, और वहाँ एग्जैक्ट आप लोगों को लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ के भी लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, उस तरह ही देखना है। और कल ध्यान रखना कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है? तो देखो, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, इसका ये मतलब है कि इसका असर यहाँ भी पड़ेगा और बैंक निफ्टी में तो असर उसका होगा ही, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। तो चलो, देखते मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, हम लोग वहाँ इसको डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को। और मैंने आप लोगों को PSY लेवल्स वगैरह भी बता दिया है निकालने के लिए, और कुछ दिनों में होता है तो मैं आप लोगों को जो चार्ट बेस, देखो 10 पॉइंट 20 पॉइंट मैक्सिमम लेना, ये कोई ट्रेड नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूँ। तो लर्न करने के लिए मैं आप लोगों को लर्निंग वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ अभी। तो चार्ट बेस्ड जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसे आप लोग देख के काफी अच्छा कर सकते हो। तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।